बार बन की टीम ग्राउंड में पहुंच चुकी है और बस मात्र वेट है उत्तरकाशी की टीम का। और यहां पर उत्तरकाशी की टीम की भी एंट्री होती हुई उत्तरकाशी टीम ग्राउंड में प्रवेश कर चुकी है, जो सेमीफाइनल में पहुंची है दोनों टीमें उत्तरकाशी और देहरादून। यह मुकाबला देहरादून बनाम उत्तरकाशी होने वाला है, जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा सीधे फाइनल में प्रवेश करेगा। मैं आपको बता देता हूँ सीधे फाइनल में प्रवेश करेगा। और ये हैं उत्तरकाशी के टॉप 7 प्लेयर और वो रहे हरिद्वार के टॉप 7 प्लेयर जो अंदर खेलेंगे। दोनों ही टीमें वार्म अप करती हुई वहाँ पर आपस में डिस्कस चल रहा है कि कौन क्या और कैसे खेलेगा। और यहाँ पर टॉस होता हुआ दोनों टीमों के मध्य और यहाँ पर टॉस किसने जीता है। हरिद्वार ने टॉस जीता और कोर्ट लिया है, यानी कि पहली रेड आने वाली है उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में देखते कौन रेड डालने वाला है। और यहाँ पर पहली रेड आने वाली है उत्तरकाशी की। यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल। जो इस मुकाबले को जीतेगा सीधे फाइनल में प्रवेश करेगा और वो मिलेगा देहरादून की टीम से। बहुत ही कड़ा मुकाबला चलने वाला है। और ये डुओ जर्सी नंबर से सबने टीम के कामयाब रेडरों में से एक है। ये मैं आपको बता दूं उत्तरकाशी की टीम में जर्सी नंबर 06 उत्तराखंड की किट पहना हुआ यह नेशनल प्लेयर है, नेशनल खेल चुके हैं ये। बहुत बेहतरीन ओ टच क्लेम किया, यहाँ पर टच क्लेम किया जर्सी नंबर 21 ने। देखने वाली बात है कि निर्णय आएगा और यहाँ पर टच भी दिया गया है। शुरुआत से ही बहस चलती हुई दोनों खिलाड़ियों में। देखने वाली बात है क्या इस मुकाबले में यह गर्मा गर्मी कोई मोड़ लेकर आएगी नया। और ये अंशोल राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं, ये एक नेशनल खेल चुके हैं सब जूनियर के। क्या ये उसका अनुभव दिखाएंगे, क्या टच है? नहीं 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 नहीं, बहुत तगड़ा डिफेंस है हरिद्वार बन का, जिसने उधम सिंह नगर की टीम को हराया था क्वार्टर फाइनल में और सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्या यह उत्तरकाशी को हराकर सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी? जर्सी नंबर 21 रेड बार पिछली रेड में पॉइंट लेकर गए थे ये, अभी तक खाता नहीं खुला। उत्तरकाशी की टीम का बोनस उठाने का प्रयत्न किया, क्या बोनस मिलेगा रेफरी द्वारा? बोनस दे दिया गया, हल्की पड़ती हुई टीम उत्तरकाशी की। और नेशनल प्लेयर राष्ट्रीय लेवल तक खेल चुके हैं ये 06 अंशुल नाम है इनका। पूरा खिलाता हुआ उत्तरकाशी का रेडर को डिफेंस और ये डबल टाई होल्ड दोनों इन और कॉर्नर द्वारा, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन टैकल। अभी तक खाता नहीं खुला उत्तरकाशी का, यह दूसरा सेमीफाइनल है। 5 का डिफेंस है दोबारा 21 नंबर जर्सी में रेड पर रेड करता हुआ, इनका मेन रेडर है ये 21। क्या ये वापसी करा पाएंगे अपनी टीम का, टीम की वापसी? ओहो कितनी रेड की पॉइंट है ये, सॉरी कितने रेड की, कितने पॉइंट है इस रेड में? 1 पॉइंट ही मिलेगा मात्र। और ये कवर खेलते हैं शायद अपनी टीम का जर्सी नंबर 7 रेड पर। अभी तक खाता नहीं खुला उत्तरकाशी की टीम का, बड़ा खतरनाक मुकाबला चलता हुआ ये खाता नहीं खुला उत्तरकाशी का। क्या बिना उत्तर खाता खुले इनको रोना पड़ जाएगा? पूरी पब्लिक एंजॉय कर रही है इसको। और ये समय लेते हुए पूरा इस खिलाड़ी का नाम है काली काली, तो पीछे से आवाज आ रही है। और ये सेफ रेड 21, अभी तक खाता नहीं खुला उत्तरकाशी की टीम का। और ये डबल थाई होल, ओहो मिड राइन से लपेट लिया, ओ पूरा आक्रोश दिखाती हुई हरिद्वार की टीम इस खिलाड़ी पर। मात्र 3 खिलाड़ी अंदर बचे हैं, मात्र 3 खिलाड़ी अंदर बचे हैं। तब आप बहुत ही अच्छा मैच खेले, बहुत ही जबरदस्त।
तीन का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर। अगर रेडर को टैकल पड़ेगा तो दो पॉइंट मिलेंगे, यानी कि दो पॉइंट से खाता खुलेगा। ये गलती करते हुए राइट कॉर्नर उत्तरकाशी के, और ये दो प्लेयर बचे हैं जिनमें से एक प्लेयर रेड डालता हुआ। क्या ये खिलाड़ी वापसी करा पाएगा अपनी टीम की? अभी तक खाता नहीं खुला उत्तरकाशी का, 0 पॉइंट उत्तरकाशी। ये सुपर टैकल पर खेलेंगे जबकि इनका डिफेंस बहुत कमजोर रहा है, रेडर भी कुछ खास नहीं कर पाए। और ये जर्सी नंबर 21 रेड पर, बहुत बढ़िया रेडर्स मुकाबले के इस टूर्नामेंट के बुरे। क्या ये सेफ रेड डालते हुए, और ये जर्सी नंबर गुरुग्राम के रेडर रेड पर। क्या ये पॉइंट लेकर आएंगे? सेफ रेड, क्या पूरा अटेम्प्ट करेंगे इस मुकाबले में, सॉरी हाई रेड में। और ये थर्ड रेड होगी देहरादून की, सेकंड रेड, इसका मतलब उत्तरकाशी की यह रेड डू ऑर डाई रेड है। थर्ड रेड, पॉइंट लाना पड़ेगा, अगर पॉइंट लाएंगे तो टीम की वापसी हो सकती है, वरना ये वैसे भी आउट हो जाएंगे। बोनस अटेम्प्ट किया, बोनस लेने का प्रयास, डिफेंस बहुत टाइट खिलाता हुआ। ओहो, राहुल चौधरी द्वारा सामने से ब्लॉक और सपोर्ट मिलता हुआ, शानदार टैकल, मात्र एक का डिफेंस बचा है, अभी भी खाता नहीं खुला है, अभी भी खाता नहीं खुला। उत्तरकाशी 0 और एक लोना पड़ गया उत्तरकाशी को। टाइम आउट लिया है पहला हरिद्वार की टीम ने, और यहाँ पर ये है दर्शक, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, पब्लिक बैठी है यहाँ पर। और यहाँ पर टाइम आउट समाप्त, रेड पर जाएंगे डुओ जर्सी नंबर 06। क्या ये पहला पॉइंट, दो पॉइंट से खाता खोला सीधे उत्तरकाशी की टीम ने, दो पॉइंट से। मैं आपको बता दूं, पहला मुकाबला अभी उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य हुआ था, जिसमें उत्तरकाशी ने देहरादून को, सॉरी हरिद्वार से हुआ था, जिसमें हरिद्वार ने को हराने में कामयाब रही थी उत्तरकाशी की टीम। वापसी करते हुई हरिद्वार, सॉरी उत्तरकाशी की टीम, आप कीजिए मेरे सब लड़खड़ा रहे हैं इस मुकाबले में। उत्तरकाशी वापसी करती हुई, 5 का डिफेंस है यहाँ पर, बोनस ऑफ है तो आपको टच में खेलना पड़ेगा। और जर्सी नंबर 06, मात्र 6, 06 डुओ। और ये डुओ डाई रेड है क्या? नहीं, ये रेड डुओ डाई नहीं है। ये नया रेडर लॉन्च किया और मिशन में सक्सेसफुल भी हुआ ये रेडर। कितने पॉइंट की रेड है ये? सुपर रेड, 3 पॉइंट मिलेंगे इस रेड में, 3 पॉइंट की रेड। दूसरा रन होने की कगार पर आ चुकी है उत्तरकाशी की टीम, और ये अंशुल राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर, ये खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल का है। क्या ये गेम भी दिखाएगा? अच्छा प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने। लास्ट 10 सेकंड, पूरा समय लेने का आपको कुछ फायदा नहीं है अंशुल, क्योंकि यह है आपकी टीम यहाँ पर पिछल रही है। और ये काली जर्सी नंबर 11 रेड पर, बहुत शानदार रेडर है ये। और एक प्लेयर शायद दो भी चला गया, तोड़ने में कामयाब रहे।
अच्छी खासी बढ़त ले ली है शुरू से ही हरिद्वार की टीम ने। बोनस पॉइंट दे दिया गया और यहां पर आए हैं सुपर टैकल में ये रेडर और ये अंशुल कोना खेलते हुए जो रेडर है अपनी टीम के किक इस्तेमाल की काली ने। जर्सी नंबर 06 रेड पर विशाल देख 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 और यहां पर टैकल पड़ गया। देखिए हरियंत कुमार कितना चमका और यहां पर दो का डिफेंस बचा है मात्र अंदर और रेड पर आए हैं काली। और ये दो का डिफेंस है ओहो थप्पड़ मारा मुंह पे टच पड़ा है सीधे अंशुल बाहर जाते हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी है ये और यहाँ पर दूसरा रोना पड़ने वाला है उत्तरकाशी की टीम को। सामने से ब्लॉक सीधे ग्राउंड से बाहर 3 पॉइंट कितने पॉइंट की बढ़त ले ली कुछ कहना आसान नहीं है लगभग अच्छे पॉइंट से बढ़त ले चुके हैं और टाइम आउट लिया हरिद्वार की टीम ने और यहाँ पर डिस्कस करते हुए भी बहुत समय हमारे पास वापसी करने का और यहाँ पर टाइम समाप्त दो रोए मार दिए पहले ही हाफ के शुरुआती 10 मिनट के अंदर उत्तरकाशी दो रोने खा चुकी है। वैसे अभी लगभग 30 मिनट का मुकाबला बचा है क्योंकि 20 मिनट का हाफ हो रहा है एक अगर ज्यादा लीड ले लेंगे तो यहाँ पर मुकाबला पहले ही समाप्त हो सकता है तो वापसी करनी होगी उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी सेमीफाइनल में पहुंची और यहाँ पर थोड़ा कमजोर प्रदर्शन करती हुई पहला मुकाबला भी इनका इसी ही टीम से था जो कि हार गई थी लेकिन इस मुकाबले में उल्टा हो रहा है सब कुछ और ये गलती की राइट कॉर्नर ने हरिद्वार के इसका फायदा उठाया डुओ ने जर्सी नंबर 06 ने। और ये रेड पर आए हैं काली जर्सी नंबर 11 टोटच क्लेम किया इन पर ये सेफ रेड करेंगे क्या दो लोने दे दिए हैं उत्तरकाशी की टीम को हरिद्वार की टीम ने हरिद्वार बान सेफ रेड और ये डुओ बोनस क्लेम किया लेकिन नहीं मिला बोनस क्योंकि पैर नहीं उठा था रेफरी के अनुसार केवल आप बोनस लाए दर्शक बहुत खुश यहाँ पर पब्लिक साफ दे सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे किक चलाई और सफलता भी मिली और ये सामने से ब्लॉक आया कोने द्वारा और टैकल भी कामयाब हुआ और इंजरी होती हुई शायद नहीं 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 भाई भाई करते हुए आपस में बाहर जाना हुआ डुओ को। मात्र 5 का डिफेंस है अंदर सबसे टफ डिफेंस माना जाता है कबड्डी में 5 का डिफेंस 4 का डिफेंस 3 का डिफेंस काली अच्छे खासा प्रदर्शन किया है इन्होंने अपनी टीम के लिए पूरा समय काटते हुए 30 सेकंड का रेडर काली और यहां पर रेड पर अंशुल सुपरस्टार रेडर अंशुल 06 अंशुल कुमार 21-5 का स्कोर है यानी कि 16 पॉइंट की लीड है
शुरुआती 15 मिनट के अंदर 16 पॉइंट की लीड ले ली हरिद्वार की टीम ने। और ये पांच ओवर है, इनसे टैकल, वापसी करता हुआ डिफेंस किया, यहां पर मार धाड़ चल चुकी है शुरुआत से ही। 19 खिलाड़ियों का कहना है कि आपने कोहनी से आक्रमण किया था हमारे खिलाड़ी पर, लेकिन सहमति दिखाई दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने कि कोई बात नहीं। और यहाँ पर अंशुल क्या ये वापसी करा पाएंगे, लेकिन वापस भेज दिया इनको ग्राउंड पर, इनके वापसी नहीं, इनको वापस कर दिया इनके ग्राउंड पर। ये है अंशुल, और यहाँ पर मिस्टर काले रेड करते हुए अपनी टीम के मेन रेडरों में से एक है। यह सेमीफाइनल मुकाबला है, जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगा। और ये दबोच लिया गया दोनों ही तरफ से, अच्छा डिफेंस चलता हुआ, 16 पॉइंट की लीड बरकरार है इस समय हरिद्वार के पास, और डुओ की वापसी हो चुकी है ग्राउंड के अंदर। जर्सी नंबर 6, अभी ओ हो, एक ही पॉइंट मिलेगा मास्टर राहुल चौधरी ने एडवांस साइथ हाई होल्ड की, जिसके कारण एक पॉइंट गवाया। टाइम आउट लिया यहाँ पर, पहला टाइम आउट लिया है उत्तरकाशी की टीम ने, को समझाते हुए आपको कैसे खेलना है, आपके दो लोने पड़ चुके हैं तो आपको भी उनको कम से कम एक लोना देना पड़ेगा इस हाफ के अंदर, वरना आपके हाथ से है मुकाबला निकल चुका है। और टाइम आउट समाप्त, ये काली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए अब तक इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में भी कह सकते हैं, पूरा समय लेते हुए 30 सेकंड की लीड होती है, 30 सेकंड काटेंगे पूरे अंतिम ही छड़ों में अपने ग्राउंड में जाने का प्रयास करेंगे, और वही किया। और यहाँ पर, और यहाँ पर 06 रेड डालते हुए पूरा डिफेंस तोड़ते हुए यहाँ पर पूरा, लेकिन नाकामयाब, इनको भी दो लोने देने पड़ेंगे तभी वापसी हो पाएगी उत्तरकाशी की टीम की। और ये नया रेडर लॉन्च किया बहुत समय पश्चात, क्या ये पिछली बार लॉन्च किया था तो ये सफलता मिली थी, क्या इस बार दोबारा लॉन्च करने पर सफलता मिलेगी, और सफलता मिली। ये रेडर, इस रेडर को आप हल्के में नहीं ले सकते, जब जब इस रेडर को लॉन्च किया है हरिद्वार की टीम ने, इसने तगड़ा विस्फोट किया है उत्तरकाशी के दल में। और ये बोनस मिलेगा अंशुल वापसी करते हुए, और यहाँ पर काली रेड पर, काली रेड पर रेड करते हुए पूरा समय ले रहे हैं। पहला हाफ समाप्त होने वाला है, कुछ ही मिनट बचे हैं, उस सेंटर पर किक, लेकिन बहुत दूर था खिलाड़ी, पूरा समय काटते हुए। और ये 06 रेड पर, 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन, ओ कॉम्बिनेशन टैकल, कोना बैक पर आए यहाँ पर, सामने से राहुल चौधरी ने ब्लॉक किया, और ये टैकल भी माफ करना राहुल चौधरी के बाहर थे, लेफ्ट कॉर्नर ने ब्लॉक किया, और सीधे टैकल कामयाब हुआ। 4 का डिफेंस है यहाँ पर, 4 का डिफेंस, काली नहीं जाएगा रेड खाली, ऐसा कहने में आ रहा, लेकिन ये रेड खाली जाते हुए। आप अगली रेड शायद अंशुल जाने वाले हैं, अपनी टीम के मेन रेडर है ये अंशुल। सेमीफाइनल तक का सफर किया इनकी टीम ने, अब आगे का सफर करना बहुत मुश्किल है। और ये कितने पॉइंट की रेड होगी, कम से कम 2 पॉइंट, मैंने कहा था कि अंशुल वापसी कर चुके हैं लगभग, और उन्होंने वापसी की राह पकड़ ली।
और यहाँ पर काली रेड पर क्या यह थर्ड रेड है, लेकिन बोनस बोनस क्लेम कर लिया है, शायद बोनस ले चुके हैं यहाँ पर काली, पूरा समय लेंगे। 24-10 का स्कोर है, 14 पॉइंट की लीड ले लिया यहाँ पर अच्छी खासी हरिद्वार की टीम ने। हाफ टाइम होता हुआ यहाँ पर, पहला हाफ समाप्त, 10-24 का स्कोर है, 14 पॉइंट की पहले हाफ में लीड ले ली यहाँ पर हरिद्वार की टीम ने। और यहाँ पर दूसरा हाफ शुरू होता हुआ दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, पब्लिक खचाखच भरा हुआ है पूरा स्टेडियम। आपकी शुरुआत हो चुकी है दूसरे, क्या इस हाफ में वापसी कर पाएगी उत्तरकाशी की टीम। कोई चीफ गेस्ट आ चुके हैं शायद, सुनने में आ रहा है खेल मंत्री रेखा आर्य आ रही हैं। और ये सेफ रेड, और यहाँ पर जर्सी नंबर 6 आते हुए रेड पर अंशुल आते ही धर लिया गया, पहला टैकल पड़ गया दूसरा आपका अंशुल को, मुस्कुराते हुए सोचने के बाद भी। और ये काली अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने अपनी टीम के लिए अब तक, और दोबारा अच्छा वही प्रदर्शन बरकरार अपनी टीम के लिए। क्या यही टीम दावेदर क्या कहते हैं उसे, क्या यही टीम फाइनल में पहुंचेगी, मैं बात कर रहा हूं हरिद्वार की। बहुत बढ़िया डिफेंस यहां पर, ओहो क्या बोनस ले लिया यहां पर, बोनस ले लिया काली लगातार रेड करते हुए अपनी टीम के लिए जर्सी नंबर 21 काली, माफ करना इस बार काली नहीं गए हैं, नया रेडर लॉन्च किया है इस बार। क्या रेडर आउट है या सेफ है, देखने वाली बात है, रेडर को सेफ दिया गया है 1 पॉइंट, पेट में चोट आई है इस रेडर के। यहाँ पर 6 का डिफेंस है जहाँ राहुल चौधरी लेफ्ट को कवर खेलते हुए, और काली इनके में खेलते हुए हरिओम राइट कवर, बहुत तगड़ा डिफेंस है। ओह दूसरा टैकल, दूसरा कॉम्बिनेशन टैकल पूरी टीम का आया है हरिद्वार द्वारा, पूरी पब्लिक एंजॉय करती हुई इस मुकाबले को। और ये जर्सी नंबर 21 द्वारा रेड पर छोटू नाम है इनका, छोटू नाम है इस खिलाड़ी का, सुपर टैकल ऑन है, 3 का डिफेंस है, अगर टैकल पड़ता है तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे उत्तरकाशी की टीम को। और रेडर सेफ है, 1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा, टच क्लेम किया है लेकिन 1 ही पॉइंट दिया यहाँ पर हरिद्वार की टीम को, संतुष्ट है हरिद्वार इस निर्णय से। और यहाँ पर रेड पर आया है नया रेडर उत्तरकाशी की तरफ से, उत्तरकाशी की टीम बहुत पिछड़ चुकी है इस मुकाबले में, अब वापसी करना मुश्किल है। और ये इनसे भी टैकल पड़ रहे हैं इस मुकाबले में, इनसे भी टैकल मारे जा रहे हैं तो हमारे जर्सी नंबर 01 घुटने में इंजरी आई, इस चैंपियनशिप में बहुत ज्यादा घुटने में इंजरी हुई है, अधिकतर खिलाड़ियों को देखा है जब जब इंजरी हुई है तो घुटने में ही इंजरी हुई है। टाइम आउट के दौरान कोच समझाते हुए कि ये मुकाबला आप जीत चुके हैं तो थोड़ा सही से खेलिए, आपको फाइनल भी खेलना है।
और क्या पिछली रेड में लोना मारा था क्या, तीसरा लोना और पूरा समय काटते हुए काली इस बार रेड पर गए हैं जर्सी नंबर 11। पूरा समय लेते हुए यहाँ पर जर्सी नंबर 11 काली अपनी रेड अपने टीम के सबसे होनहार और मेन रेडर साबित होते हुए काली यहाँ पर तालियां बजती हुई और यहाँ पर ये रेडर रेड पर डुओ वापसी करना बहुत मुश्किल होता हुआ। उत्तरकाशी की टीम यह मुकाबला हार चुकी है लगभग। ओ गलती कर दी, गलती कराई सन्नी बाजी से। एक पॉइंट मिलेगा उत्तरकाशी को, 12-34 का स्कोर है यहाँ पर और पूरा समय लेंगे रेड में, पूरा समय लेते हुए रेड में यहाँ पर पूरा समय लेते हुए यहाँ पर काली अपनी टीम के मेन रेडर हैं ये। काली बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने इस मैच के दौरान और राहुल चौधरी लेफ्ट कोना संभालेंगे क्योंकि उनका शायद लेफ्ट कोना बाहर जा चुका है और छोटू जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर लगे हुए हैं कवर पर लगे हुए हैं। राहुल चौधरी क्या टैकल मारेंगे, ओहो टच नहीं मिलेगा, क्लेम तो प्रयास किया था क्लेम करने का। और यहाँ पर जर्सी नंबर 1 तोमर खतरनाक रेडर बोला जा रहा है, डेंजर्स लेकिन डेंजर को डेंजर नहीं बनने दिया, डेंजर से खतरा नहीं है उत्तरकाशी की टीम को, खतरा है उत्तरकाशी की टीम को देहरा हरिद्वार के डिफेंस से। डेंजर से नहीं डरती उत्तरकाशी की टीम, डरती है हरिद्वार की टीम से क्योंकि बहुत कम रेडर कामयाब हुए हैं हरिद्वार की डिफेंस से पॉइंट लाने में। राहुल चौधरी लेफ्ट कोना संभालते हुए यहाँ पर और ये खतरा उठाया, कितने पॉइंट की रेड होगी यहाँ पर उत्तरकाशी के रेडर की, 2 पॉइंट की शानदार रेड लगाते हुए छोटू रेड पर। क्या ये वापसी करा पाएंगे, करेगी क्या वापसी करेगी यहाँ पर उत्तरकाशी की टीम। कुछ क्षणों से तो पॉइंट लेकर आ रहे हैं लेकिन इतने ऐसे पॉइंट से काम नहीं चलने वाला, समय तो काफी बचा है लगभग 13 मिनट का समय है इस समय उत्तरकाशी के पास, लेकिन इस समय में हरिद्वार की टीम भी तो कुछ करेगी और यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है, टैकल पड़ता है तो ओहो टैकल नहीं, 1 पॉइंट राहुल चौधरी के छाती पर लात मार के गया जर्सी नंबर 6 डुओ। और अंशुल को बहुत शांत रखा गया है, अंशुल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, शायद बाहर बैठाला गया है, मेन रेडर को सब्स्टिट्यूट करना आपके लिए सही नहीं होगा उत्तरकाशी की टीम। पूरा समय लेंगे काली क्योंकि 2 का डिफेंस बचा है, अंदर लोने की कगार पर आ चुकी है हरिद्वार की टीम। बोनस मिल चुका है यहाँ पर हरिद्वार की टीम को। ओहो क्या टैकल है ये, मूवमेंट ऑफ द टूर्नामेंट, अद्भुत टैकल, इसे मैं मूवमेंट ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दूंगा, पूरा कैप्चर हुआ है कैमरे में, वायरल होने वाली वीडियो है ये, इसको मैं शॉर्ट फीड में डालूंगा। काली ने ऑलराउंडर बन के दिखाया जर्सी नंबर 11। ओ टच खोला, बड़ा शानदार प्यारा क्यूट सा टच लगाया काली ने, पूरा मैच निकाल के दिया है हरिद्वार की टीम को काली ने वापसी करते हुए। 21 नंबर रेड पर, ओहो इनसे लेकिन कितने पॉइंट की रेड होगी, 2 पॉइंट की काली बाहर जाते हुए काली। अब दोबारा यहाँ पर 2 खिलाड़ी अंदर बचे हैं, लोना पड़ेगा क्या इस बार हरिद्वार की टीम को। क्या लोना पड़ेगा हरिद्वार की टीम को यहाँ पर, डबल था योन, गलती कर दी कवर ने। जब कुछ खिलाड़ी बचे होते हैं तो आपको पूरा ऊपर लेके खिलाना चाहिए, आप छोटी छोटी गलती करेंगे तो आपके हाथ से वैसे भी ये मुकाबला निकल चुका है।
पूर्णता आप निकालना चाह रहे हैं अपने हाथ से मुकाबला। और ये यहाँ पर 11 नंबर अंदर आ चुके हैं। बंस डॉट इन क्या इनकी आईडी का नाम है ये? जो भी इनके दर्शक हैं फैन हैं तो सर्च करें बंस डॉट इन। बन जाइए सागर भाई तेरी वीडियो। और यहाँ पर सुपर टैकल क्या बोल रहे सर आप? कुछ नहीं, क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ बैठे हैं मिस्टर सावन जो अपना सेमीफाइनल हार चुके हैं मुकाबला। अब इनका पूरा माइंड फ्रेश होगा। और यहाँ पर टाइम आउट समाप्त। रेड पर जाएंगे काली, मिस्टर काली। और ये रेड पर सॉरी छोटू, माफ करना गलती हो गई मुझसे, छोटू जर्सी नंबर 21। चार का डिफेंस है यहाँ पर। लोना पढ़ते पढ़ते बच रहा है हरिद्वार को, ये गलती मानी जाएगी पूरी उत्तरकाशी की टीम की। सेफ रेड, 5 मिनट बचे हैं, लास्ट 5 मिनट। और यहाँ पर धर लिया गया कॉर्नर द्वारा। बंस डॉट इन सर्च करें इंस्टाग्राम पर, शायद ये इनकी आईडी का नाम है। आई एम सावन सिंह इनकी आईडी का नाम है, इनके फैन है तो इनसे कांटेक्ट करें। और ये 5 का डिफेंस यहाँ पर, सॉरी 4 का डिफेंस। 5 मिनट से कम का समय बचा है लगभग। ये मुकाबला हार चुकी है उत्तरकाशी की टीम डू और डाई पर खेलती हुई। आगे या शायद ये रे डू और डाई होने वाली। और ये टाइम आउट लिया है कोच साहब ने सब्स्टिट्यूट करते हुए। सब्स्टिट्यूट जर्सी नंबर 12 अंदर आते हुए। और यहाँ पर थर्ड रेड होने आते ही लॉन्च कर दिया थर्ड रेड पर बंस को। कितने बंस हैं इनकी टीम में? ओहो डू और डाई, क्या ये सेफ रेड होगी? लॉन्च करते ही विस्फोट हो गए उत्तरकाशी की टीम में। बांस जर्सी नंबर 12, कितने पॉइंट की रेड है ये? ओ रेडर को बाहर दिया गया, माफ करना, रेडर को विस्फोट कर दिया यहाँ पर उत्तरकाशी की टीम ने। और सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है खिलाड़ियों को। जर्सी नंबर 7 बाहर जाते हुए मौका दिया गया क्योंकि ये मुकाबला इनके हाथ से निकला चला जा रहा। तो ये नए नए खिलाड़ियों को आजमाते हुए। और यहाँ पर 4 का डिफेंस है, ये रेड करते हुए नया खिलाड़ी 7 नंबर। धीरे धीरे स्टेडियम खचाखच भरता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टैकल हो गया इस खिलाड़ी का, टैकल कर दिया गया। और इंजरी, बहुत इंजरी हुई है इस मुकाबले में। कहाँ चोट लगी है इस खिलाड़ी के? नाक में चोट लगी है, नाक टेढ़ी कर दी। और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है यहाँ पर, सब शांत बैठे हैं, सबका मुंह होना पड़ा है यहाँ पर। ये हाय करते हुए यहाँ पर टाइम आउट समाप्त। जर्सी नंबर 01 रेड पर, क्या हुआ ये? नहीं, रेफरी की बिना इजाजत के बिना आप रेड पर नहीं आ सकते जब तक रेफरी आपको अनुमति ना दे। और ये हरी ओम रेड पर जो राइट कवर खेलते हैं अपनी टीम का, पूरा समय लेंगे क्योंकि यह मुकाबला जीत चुकी है हरिद्वार की टीम, 100% जीत चुकी है। क्योंकि आप लास्ट 2 से 3 मिनट में क्या कर सकते हैं जब विपक्षी टीम के पास लगभग 15-16 पॉइंट की लीड होगी। तो और ये लास्ट 1 मिनट यानी कि 2 रेड हो सकती हैं पूरी 2 से 3 रेड। 30 सेकंड की एक रेड होती है। और यहाँ पर 30 सेकंड से पहले धर लिया गया चैन होल्ड लेफ्ट साइड से। तोमार रेड पर जाएंगे यहाँ पर। यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला था, मैं आपको बता देता हूँ, आप सीधे हरिद्वार को मिलेगी देहरादून फाइनल में। हरिद्वार बन की टीम है ये।
फाइनल देखने के लिए दूर दूर से खिलाड़ी बुलाए गए यहाँ पर, बहुत दूर दूर से खिलाड़ी आते हुए यहाँ पर, और मुकाबला जीत चुकी है देहरादून की और हरिद्वार की टीम। बधाई हो आपको, एंजॉय करते हुए।